Hey beauty, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. How are you all? It's me Nida. तो आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये नेवी ब्लू स्मोकी आई मेकअप लुक. एंड आप इस मेकअप को किसी भी वेस्टर्न एंड इंडियन ड्रेस के साथ ईजिली कैरी कर सकते हो. इवन किसी भी पार्टी, मैरिज, किसी भी फंक्शन में आप इस आई लुक को वेयर कर सकते हो. एंड ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर बिगनर्स, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में इस लुक को रिक्रिएट किया है. एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती तो आपको करना है वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब. एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन आप ज़रूर हिट कर दें ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से नोटिफाइड रहें एंड आप मेरी वीडियोज़ देखें सबसे पहले. एंड डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और आपको ये आई लुक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ स्किन फूड की मॉइस्चराइजिंग क्रीम और उससे अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी. आफ्टर मॉइस्चराइजिंग माय फेस मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउज़ को कॉम कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ VOV की ब्रो पेंसिल और मैं उसकी हेल्प से अपनी ब्राउज़ को कर लूँगी फिल नेचुरली जैसी मेरी ब्राउज़ है. तो इसमें ये डार्क ब्राउन सा एक शेड है, मैं उसकी हेल्प से अपनी ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ ताकि मेरी ब्राउज़ एकदम नेचुरल लगे और मैं एकदम नेचुरली वे में उसे फिल कर ले रही हूँ. और नेक्स्ट मैं अगेन अपनी स्पूली की हेल्प से ब्राउज़ को कॉम करूँगी. और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 7 Heavens का फोटोजेनिक कंसीलर. इसमें मेरा शेड है 04 NORY. एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश और उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को कर लूँगी क्लीन ताकि मेरी ब्राउज़ एकदम शार्प दिखे और एजीनेस जो भी मेरी ब्राउज़ में है वो क्लीन हो जाए. नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर को अपने आईलिट एंड अंडर आई पर अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल एंड डार्क पिगमेंटेड एरियाज़ को हाइड करने के लिए. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का डैम ब्यूटी स्पंज और मैं इससे अपने कंसीलर को डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. तो आपको ब्लेंड अच्छे से करना है कंसीलर को अपनी आईज़ पर, क्योंकि अगर आप अपने कंसीलर को अपनी आईज़ पर अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपकी आईज़ पर डार्क पैचेस आ जाएंगे व्हेन आप पाउडर अप्लाई करोगे उसके ऊपर तब. इसलिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से करना. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन बेबी पाउडर और इससे एक पफ की हेल्प से अपने फेस पर इससे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर को अप्लाई किया था अच्छे से, जहाँ जहाँ भी डैबिंग मोशन में सेम अप्लाई करनी हो, क्योंकि आपको घिसना नहीं है. अगर आप इसे रफली करोगे तो आपका कंसीलर हट भी सकता है अपनी जगह से. नेक्स्ट मैं इस पाउडर को सारा डस्ट आउट कर दूँगी और अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद फेस पर अच्छे से पाउडर को ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो. यहाँ पर मैं मार्स का 36 कलर मैटी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें कुछ शिमरी शेड्स हैं. तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग. तो मैं यहाँ पे डार्क और लाइट ब्राउन शेड को पिक करके और मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स पर सेलो टेप अप्लाई किया है. तो मैं लाइट और डार्क शेड्स को पिक करके अपनी क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ और अपनी आईलेट को एकदम आईलेट एक अच्छी आईलेट प्रोवाइड हो बड़ी बिग, तो इसलिए मैं अपनी क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पर सेम राउंड शेड की हेल्प से. और मैं इसे स्लाइडली थोड़ा डार्क करूँगी बट मैं लाइट शेड से स्टार्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये ब्लैक एंड ये ग्रीन शेड का यूज़ करूँगी. तो सबसे पहले मैं ये ग्रीन शेड यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने आउटर वी पर सिर्फ अपने आईलेट पर ही अप्लाई कर रही हूँ. आपको अपनी क्रीज लाइन से ऊपर इस कलर को अप्लाई नहीं करना. तो इस डार्क ग्रीन शेड को मैं अपने आउटर वी पर अपने क्रीज लाइन से नीचे नीचे इसे अपने आईलेट आउटर आईलेट पर ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं सेम ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ जो मैंने आपको अभी शो किया था. तो वो ब्लैक शेड मैं पूरे अपने आईलेट पर अप्लाई करूँगी. अगेन आपको सिर्फ अपने आईलेट पर अप्लाई करना है और अपनी क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाना. तो मैं इस डार्क ब्लैक शेड को
और इसे मैं अपने पूरे आईलेट पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी दोनों आईज़ पर ये डार्क ब्लैक शेड अपने पूरे आईलेट पर अप्लाई कर लूँगी। आपको अपनी आईलेट से ऊपर नहीं जाना, और अगर आप बिगनर हो तो आप एकदम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पिक करके अपने पूरे आईलेट पर डार्क शेड्स को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं सेम डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे अपने जो क्रीज लाइन में कलर लगाया था उसे अगेन डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक शेड लगाने की वजह से वो थोड़ा मैसी हो गया था। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मी का आई शेडो पैलेट। तो इसमें 20 कलर आई शेडो पैलेट है और ये आई शेडो शिमरी है, इसमें सारे शेड शिमरी हैं। तो इसमें से मैं ये नेवी ब्लू कलर का शेड पिक कर रही हूँ और इसे अपने पूरे आउटर वी इनर वी से लेकर अपनी हाफ आईलेट पर इस शेड को अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस शेड को अपने पूरे इनर वी से लेकर अपने अपनी हाफ आईलेट पर इस शेड को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं सेम ब्लैक शेड को ब्लेंड कर रही हूँ जो भी एजेस हो, जहाँ पर दो शेड्स मिल रहे हैं उसके एजेस को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लाइनर और उससे मैं अपने एक थिन विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। आपको एक विंग लाइनर ड्रॉ करना है लेकिन मैं थिन विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मैंने जो आई मेकअप किया है वो थिक लाइनर से हाइड हो जाएगा, इसलिए मैं एक थिन विंग लाइनर यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ अपनी आईज पर। नेक्स्ट मैं एक एंगल ब्रश पिक कर रही हूँ और इसमें से जो ब्लैक शेड मैंने अपने आउटर वी पर लगाया था वो सेम शेड से अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे से उस शेड को स्मच कर लूँगी एक एंगल ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो पेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी दोनों आईज पर यह ब्लैक शेड अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल और यहाँ पे मैं ADS का काजल यूज़ कर रही हूँ और इससे अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं सेम ट्रांजिशन शेड को अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्लैक शेड के नीचे एक बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैंने जो अपने ब्लू शेड नेवी ब्लू शेड शिमरी अप्लाई किया था अगेन मैं उसे ब्लैक शेड के साथ हल्का हल्का स्मच कर रही हूँ ताकि एक इवन लुक दिखे आईज पर, मेरी आईज बैलेंसिंग लगे। तो मैं सेम शेड को बिग स्मच कर लूँगी अपने ब्लैक शेड के एकदम क्लोज क्लोज। नेक्स्ट मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड अपने ब्लैक शेड के नीचे और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन मेटालिक शेड और इससे मैं अपने इनर कॉर्नर एंड ब्रा बोन को हाईलाइट कर लूँगी। अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कलोसल मस्कारा और उससे मैं अपनी लैशेस को स्लाइडली कोट कर लूँगी इनर एंड अपर लैशेस को। अगर आप यहाँ पर ये आई लुक कंप्लीट होता है, लेकिन मैंने अप्लाई की है फॉल्सीज, तो मैंने यहाँ पर मैक की फॉल्स आई लैशेज़ यूज़ किया है ऑफ कैमरा। इस टॉपिक पर मैं जल्दी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये है मेरा फाइनल लुक एंड आई रियली होप आप लोगों को ये आई लुक पसंद आया हो, और आपको ये आई लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आप लोग, और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो डैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय गर्ल्स, बी हैप्पी।